वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेचुरल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम पार्ट 2 से संबंधित उनके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपके पार्ट 2 का नाम है परीक्षा। आइए अब हम आपके पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर देखें। आपके पुस्तक में ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अब हम इन प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। आइए आप अपनी कॉपी पर पार्ट 2 डालिए जिसका नाम है परीक्षा। आपका पहला प्रश्न है, सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे? उत्तर है, अवस्था ढल जाने के कारण सरदार सुजान सिंह अपना पद छोड़ना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, महाराज ने नया दीवान ढूंढने की जिम्मेदारी किस पर डाल दी? महाराज ने नया दीवान ढूंढने की जिम्मेदारी सुजान सिंह पर डाल दी। आपका तीसरा प्रश्न है, विज्ञापन में दीवान पद के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई? उत्तर, हृदय में दया और आत्मबल ये योग्यताएं निर्धारित की गई। आपका अगला प्रश्न है, पंडित जानकी नाथ की तरफ देखते समय किसकी आँखों में सत्कार और किनकी आँखों में ईर्ष्या थी? उत्तर है, पंडित जानकी नाथ की तरफ देखते समय कर्मचारियों और रईसों की आँखों में सत्कार था, मगर दीवान पद के उम्मीदवारों के दल की आँखों में ईर्ष्या थी। आपका अगला प्रश्न है, युवक ने किसान की क्या सहायता की? उत्तर है, कीचड़ में फंसी बैलगाड़ी को निकाल कर युवक ने किसान की सहायता की। आपका अगला प्रश्न, किसान को ध्यान से देखने पर युवक के मन में क्या संदेह हुआ? किसान को ध्यान से देखने पर युवक के मन में संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? आपका अंतिम प्रश्न है, सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ को दीवान क्यों चुना? उत्तर है, उसके हृदय में दया और आत्मबल था, इसलिए सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ को दीवान चुना। अब ये आपके पार्ट 2 से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। अब हम पार्ट 3 से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। आपका पार्ट 3 है, मन के साहसी। आपका पार्ट 3 है मन के साहसी। आइए अब हमें इस प्रश्न के उत्तर देखें। आपके इस प्रश्न के उत्तर पुस्तक में दिए गए हैं। अब हम आपके प्रश्न उत्तर करें। आपका पार्ट 3 है मन के साहसी। आप अपने पार्ट का नाम डालिए। आपका पहला प्रश्न है, जीवन की मूल आवश्यकताएं क्या हैं? जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। आपका दूसरा प्रश्न है, संतोखबा ने अपनी कलाकृतियों को विदेश में क्यों नहीं बेचा? संतोखबा अपनी धुन की पक्की और विचारों की परिपक्व थी, इस कारण उसने अपनी कलाकृतियों को विदेश में नहीं बेचा। आपका तीसरा प्रश्न है, संतोखबा के चित्र का विषय क्या होता था? उत्तर है, महाभारत और रामायण संतोखबा के चित्र का विषय होता था। आपका अगला प्रश्न है, संतोखबा ने सबसे लंबा स्क्रैल किस विषय पर बनाया था? उत्तर है, संतोखबा ने सबसे लंबा स्क्रोल महाभारत की कहानी के घटनाक्रम के विषय पर बनाया था। आपका अगला प्रश्न है, संतोखबा का प्रारंभिक जीवन कैसा था? संतोखबा का प्रारंभिक जीवन कष्टदायी था। आपका अंतिम प्रश्न है, संतोखबा ने अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार किया?
उत्तर है, मेहनत मजदूरी करके संतोखबा ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट चार से संबंधित प्रश्न उत्तर कराएंगे। आपका पार्ट चार है खुशियों का खजाना। धन्यवाद।